Gender, education and polity. Politics and polity are related. Polity is an organized society such as a nation, city or church together with its government and administration. Politics is about the methods, techniques and activities for running the government and the political system. हम देखते हैं कि दोनों connected हैं, एक इदारा या एक मुल्क और उसका निज़ाम किस तरह से चलता है, ये काम पॉलिटिक्स में होता है और वो इदारा जो है वो हमारी पॉलिटी में शामिल है. एजुकेशन एंड द एजुकेशनल सिस्टम आर अफेक्टेड बाय पॉलिटिक्स. दिस इंक्लूड्स द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, द कंटेंट ऑफ एजुकेशन, द एम्फोसिस ऑफ एजुकेशन, द फोकस ऑफ एजुकेशन एंड द बेनिफिशरीज ऑफ एजुकेशन. हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स जो है उसका जो ताल्लुक है हुकूमत के साथ है, हुकूमत के इदारों के चलने के साथ है, ये फैसले करने के साथ है कि क्या चीज़ कब होगी, कैसे होगी. चुनाचे यही इसके असरात हमें तालीम पर भी दिखाई देते हैं. सो देयरफॉर पॉलिटिशियंस और द रूलिंग सर्कल्स विल डिसाइड व्हाट इज़ टू बी टॉट, हाउ मच इज़ टू बी टॉट, व्हेन इज़ इट टू बी टॉट, वेदर इट नीड्स टू बी टॉट और नॉट, एंड हु इज़ गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम एजुकेशन. एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेजर force behind social change, and that is why it is very closely related with politics and political decision making. Social change includes change in gender related beliefs, social attitudes in general, and political practices, political affiliations and political ideologies. Our education can affect all of these in a negative way or in a positive way. Politics is about power. It is about who will get what, how much, how and when. यानी तमाम फैसले किसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा. और यहाँ पे हम बात करें वसाइल की और रिसोर्सेस की और फवायद की, तो किसको ये मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये फैसले जो हैं वो पॉलिटिशंस करते हैं, पॉलिटिकल सर्कल्स करते हैं, रूलर्स करते हैं. तो और उनके हमने कहा कि उनकी आइडियोलॉजीज, उनकी अफिलिएशन जो हैं, उनकी सोच और उनके कायद जो हैं वो उनकी तालीम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं. जैसी तालीम होगी, जो कुछ उन्होंने सीखा होगा उसी के हवाले से उनके ख्यालात और उनके अकायद होंगे. सो दिस अप्लाइज टू द रिसोर्सेज व्हेन वी टॉक अबाउट हु विल गेट व्हाट, हाउ मच एंड व्हेन. दिस इज अबाउट रिसोर्सेज एलोकेटेड टू एजुकेशन इन अ कंट्री ऑल्सो. डिफरेंट रिजीम्स, डिफरेंट गवर्नमेंट्स बिलीविंग इन डिफरेंट आइडियोलॉजीज have different educational policies, and Pakistan has also seen all these scenarios. जो हुकूमत आती है उसके अपनी एक सोच होती है, एक उसकी अपनी आइडियोलॉजी या उसका का नज़रिया होता है जिस पर उसकी बुनियाद कायम है, उसी के हवाले से वो तालीम को भी देखते हैं और उसी के हवाले से वो लड़कियों की तालीम को भी देखते हैं. Some governments allocated more money in Pakistan for uplifting educational system and standards. However, there was always a need to include education as one of the top priority areas. इस बात की ज़रूरत हमेशा रही है कि तालीम हमारा सबसे अहम एक शोबा हो जिसको हम बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं. और यकीनन उसमें बहुत तरक्की हुई है और हो रही है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है. हम ये देखते हैं कि यही ट्रेंड जो है हमें दिखाई देता है जेंडर के हवाले से. इट इज़ एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट पॉलिसीज about gender and women development. Whether children's education is important or not, whether girls' and women's education is valuable or not, is affected by the ideology and policies of the rulers. The modern world, the post-industrial world, requires that more and more people with specialized knowledge come forward and contribute to progress and development. हमें आज ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो और वो मुख्तलिफ शोबों में तहकीक कर सकें ताकि उन शोबों में तरक्की की जा सके. देर इज़ ऑल्सो द नीड दैट वुमेन शुड बिकम प्रोडक्टिव मेम्बर्स ऑफ द एक्टिव वर्क फोर्स फॉर विच दे नीड एजुकेशन. देर इज़ अ नीड टू इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशनल रिफॉर्म्स. पोलिटिकल सर्कल्स शुड इंक्लूड एजुकेशन एज वन ऑफ देयर टॉप प्रायोरिटीज. हम देखते हैं कि हमें इस बात की ज़रूरत है कि हमारी ख़वातीन भी जो हैं वो एक मौशी अमल का हिस्सा बने और वो मुल्की मईशत को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करें
पर इसके लिए उनकी तालीम जो है बहुत ज़रूरी है, और ये तालीम कब होगी, कब बेहतर होगी, कितनी अच्छी होगी, इसको कितने वसाइल दिए जाएंगे, कितने ज़राए इसके साथ एसोसिएटेड होंगे, ये फैसले करने के लिए सियासतदानों को सोचने की ज़रूरत है। गर्ल्स एंड वुमेन्स एजुकेशन नीड्स ग्रेटर अटेंशन सिंस दे नीड टू अटेन गोल डायरेक्टेड मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन टू बिकम प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि ख़वातीन को तालीम दी जाए, बामकसद तालीम दी जाए, ऐसी तालीम दी जाए जिसकी मदद से वो कोई ऑक्यूपेशन, कोई पेशा अख्तियार कर सकते हो, प्रोफेशनल बन सकते हो और कोई अच्छी जॉब कर सकते हो या एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, ताकि वो अपने कदमों पर भी खड़े हो सकें और अपनी मुल्क की मईशत को भी मजबूत बना सकें।